हेलो गाइस, आई एम सन्नी और नन्ना। हेलो गाइस, वेलकम टू द माई पबजी लाइट गेम प्ले अनदर वीडियो। भाई साहब, मैंने कहा नमस्ते, आप हमको क्यों नहीं समझते हैं? भाई, अगर आप लोग यार इस चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब करो यार, और बगल में जो यार बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको यार ऑन करो, ताकि मैं यार इस गेम में बता दे रहा हूँ यार सब हम लोग सब यार जो चारों मतलब हैं, चारों मतलब बिहार से ही हैं, और मैंने ये रैंडम की मतलब कि ना मतलब ऐसा ऐसा मतलब इसमें इतनी भर इंजॉय कॉमेडी है कि मतलब तुम बस देखना, बस तुम लोग देखना, मतलब इतनी ज़्यादा मज़े आने वाली है, बस तुम लोग देखना। तो भाई साहब, हम लोग मतलब यहाँ से यार लूट ही रहते हैं, तो उधर से मतलब यहाँ पर आई रहती है एक स्क्वाड, मतलब कि आई रहती है यार। तो मेरे जो जो 2 नंबर जो 3 नंबर रहते हैं भाई, तो उन लोग दोनों मिलकर मतलब पूरा मतलब स्क्वाड मतलब ख़त्म कर देते हैं, मतलब समझ रहे हो, एकदम पीरो प्लेयर देख रहे हो। 2 नंबर की लोल लग गई है भाई। अबे पूरा गोबरे काबे स्क्वाड। अब मैं देखता हूँ कि सामने छत्ता पर बंदर रहता है, मैं उसको फ्री फायर देता हूँ, बट वो बच जाता है। फिर मैं जाता हूँ, फिर उसको मैं फ्री फायर देता हूँ, फिर बच जाता है। अबे कैसे मार रहा है भाई, नीचे आ गया ऊपर शॉटगन। अब देखो भैया, ये शॉटगन चैलेंज कर रहे हैं, बताओ। अब मैं सोचता हूँ कि मैं ऊपर जाऊँ, तब तक देखो भैया, फिर मैं फिर इनको फ्री फायर देता हूँ, तब तक ऊपर जाके 3 नंबर इनको ठेल देते हैं। और फिर देखो 2 नंबर उधर हेल्प 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 चिल्ला रहते हैं, और 3 नंबर की पिंग काम ही नहीं कर रही है। 3 नंबर बस खाली लूटे में इतने बड़े लुटेरे हैं कि मतलब देखो, इनको मतलब हल्का से नीचे रिवाइव दे दें, फिर मैं इनको रिवाइव देता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तो कुछ लूट उठ है नहीं, देखना कुछ नहीं छोड़ते भाई। मैं सोचता हूँ कि यार जो बंदा जो पेटी में, फिर पेटी में से जाकर लूटूंगा, मतलब इतने बड़े लुटेरे, इतने बड़े लुटेरे कभी सोचे नहीं। फिर मैं जाकर देखता हूँ तो देख लो भैया, 9 mm की गोली 30 पीस इन लोगों ने छोड़ी है। यहाँ पर जाकर देखता हूँ तो सिर्फ 1 mm की 30 बुलेट रहती है। मैंने सोचा कि अबे ये क्या हो गया। मैं सोचता हूँ कि सामने में घर खुला है, जाकर मैं वहीं लूटता हूँ। तब तक देखो यार, मैं वहाँ पर जाता हूँ, इसके मतलब तुम लोग यहाँ पर देखना, 2 बंदे रहेंगे, इतना गोबर इन लोग है कि देखो, मैं इन लोग के पास हूँ, इन लोग मेरे को मार दे रहा है। ये देखो दूसरा बंदे को देखो, मतलब इसको देखो ध्यान कहाँ है बेचारे के। अरे यार चलो बेटा फराक से। और हाँ, तब तक मैं देखता हूँ कि सामने ड्रॉप गिर रहती है, तो मेरे को पता नहीं रहता है कि यहाँ पे गुप्ता जी ने जो रहता है तेल बिछा दिया रहता है। जैसे मैं जाता हूँ फिसल जाता हूँ नीचे। अब मैं सोचता हूँ कि चलो निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनिमी भी रहता है। फिर मैं देखो, अब मेरे को नहीं पता कि गुप्ता जी जो है पूरे ठंडिल में तेल डाले हुए हैं। तो मैं पूरे मतलब कि चढ़ने का प्रयास करता हूँ, मैं चढ़ता हूँ फिसल जाता हूँ। देखो मैं चढ़ा, देखो मैं फिसल गया। अरे गुप्ता जी, आपको यहीं पर मिला था तेल डालने के लिए, और कोई जगह नहीं। फिर मैं यहाँ से चढ़ता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि चढ़ूँ, फिर देखना मैं मतलब कि फिर गिर जाऊँगा। अबे गुप्ता जी से तो मैं मतलब कि परेशान है परेशान, मगर मैं इस बार फिर प्रयास करता हूँ कि चढ़ जाऊँ चढ़ जाऊँ। हाँ देखो मैं चढ़ गया। देखो भाई, 2 नंबर की खुजली मची हुई रहती है, वहाँ पर एक बंदा रहता है। तब तक मैं पानी में देखता हूँ कि एक बोट रहता है, मैं उसको मारने का प्रयास करता हूँ। तब तक देखो भाई, 3 नंबर को ठेल दिया। मैं सोचता हूँ कि 3 नंबर को, 3 नंबर पूरा खोपड़िया खाए हुए हैं। रिभाइव 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 हेल्प हेल्प। मैं सोचता हूँ कि उनको मैं हेल्प दे दूँ, मतलब कि रिभाइव कर दूँ। तो मैं जाता हूँ उनके और उनके पिछवाड़े में हाथ रखता हूँ कि मैं रिभाइव कर दूँगा। फिर मैं उनको मतलब कि रिभाइव करके देखो, अरे 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 भाई, मेरे को भी गोली पड़ी। और सामने बोट दादा जो रहते हैं वो मतलब पानी में रहते हैं, तब तक मैं इनको रिभाइव देता हूँ। तब तक देखना ब्रो, इन लोग मतलब कि भाई साहब मतलब कि इतने बड़े इतने बड़े। और उन लोग देखो, मैं सोचता हूँ कि उन लोग से मैं फाइट लूँ, क्योंकि उन लोग तो पानी को उस पार और मेरे पास दिए क्या, या मैं मारूँ तो मारूँ कैसे। और एक जो गुल्लू थी, उन लोग मतलब इस पार आने का नाम ले रहे और हम लोग मतलब उस पार लेने का नाम लेते हैं। और 2 नंबर को देखो भाई, मतलब दम गोबरे का मतलब वो घाव, तो ये नहीं लग रहा कि सामने फाइट लें, ठीक है। तब तक मैं सोचता हूँ कि इन लोग से मैं लड़ूँ, किसी एक को नॉक करूँ तो मैं जाऊँगा। तो बट देखो, मैं जैसे ही मतलब कि सोचता हूँ, तब तक देखो मतलब यहाँ बगल में बोट, और देखो मैं बोट दादा को जैसे मारा, तो देखो मतलब 2 नंबर को इतना भी नहीं पता कि सामने बंदा है, उसको जाके मारे। तब तक लो भैया फिर आ गए हम। अबे रिवाइव कर, रिवाइव कर दे, अबे रिवाइव कर। हाँ तो देखो, फिर मैं यहाँ से इन लोग से मैं रिवाइव रिवाइव के लिए बोलता हूँ, तो फिर मेरे को इन लोग ना रिवाइव करते हैं। मैं फिर इन लोग से हेल्थ किट मांगता हूँ, इन लोग के पास ना हेल्थ किट रहती है। इन लोग गूंगे बहरे लंगड़े
सब रहते हैं, इन लोग सुन नहीं पाते हैं कि मैं इनसे क्या मांग रहा हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि बैंडेज है, मैं फिर बैंडेज ही मतलब कि लगाता हूँ। फिर मैं बैंड लगा कर जैसे सोचता हूँ कि भाई साहब यहाँ फाइट लेना बेकार है, उन लोग को जोन में बुलाया जाएगा। तो हम लोग यहाँ से मतलब कि जोन में निकलते हैं। चार नंबर बैठ। फिर मैं दो नंबर को बुलाता हूँ, दो नंबर बैठो। देखो भैया चार नंबर पूरा मार रहे हैं, लग रही है तो पूरा ओलंपिक ही जीत लेंगे। चार नंबर बैठ गए। फिर हम लोग चारों बैठ कर जाते हैं सीधा थर्ड डिल। फिर मैं जैसे ही थर्ड डिल जाता हूँ, देखता हूँ कि सामने ड्रॉप गिरा हुआ रहता है। मैं जाकर सीधे ड्रॉप में देखता हूँ कि गेम किट रहेगी, बट नहीं, वहाँ रहती है ग्रोजा के साथ एयरटेक्स। अबे पबजी वालों, ग्रोजा के साथ एयरटेक्स कब से चलने लगी बे? तब तक देखो भाई यहाँ पर रहती है एक बोट दादा, तब तक मैं बोट को मारता हूँ। देखो भाई बोट को दादा को मार के फर्स्ट किल होता है। प्रो एच पी देख मतलब हद है। देखो ये बात तो है। फिर बोट दादा को मार के मैं मतलब कि हेलकिट वेलकिट लगा कर फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं जैसे ही आगे जाता हूँ तो देखो मतलब आठ बंदे लाइन, जिसमें से चार लोग हम लोग हैं और चार मतलब कि और हैं। तब तक देखो भाई एक बंदा और को मैं बोट दादा को मैं फिर से मार देता हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ और देखना प्रो मेरा मतलब चलते चलते चिकन डिनर। तीन बंदे और हैं, दो बंदे को नॉक्स मतलब कि समझ लो जोन से उन लोग तो मर जाते हैं। देखो दो बंदे जोन से मर गए। अब देखो भाई सीधा मतलब कि उधर जो होता है तीन नंबर जो होता है पूरे मतलब कि फाइट ले लेते हैं लास्ट बंदा से। अब देखो ब्रो चिकन डिनर। तो ब्रो फिर हम सोचते हैं फिर इन लोग साथ एक मैच खेलते हैं। तो फिर से लोग थर्ड डिल ही उतरता है, मगर यार इन लोग का लैंडिंग लेट से होती है, उससे पहले एनिमी मतलब कि उतर जाता है। मेरी रहती है एक गेम। फिर मैं बोलता हूँ कि अरे यार तुम लोग मतलब कैसे उतारते हो, मतलब हल्का सा दिमाग ही नहीं है कहा। तो तीन नंबर बोल ही नहीं रहे थे। फिर मैं तीन नंबर से पूछा कि तीन नंबर अबे बोल का नहीं रहे हो बे तीन नंबर? तो तीन नंबर बोल ही नहीं रहा। तो मेरे को लगा कि शायद मम्मी है कहा बे, तीन नंबर नहीं बोला। तो मैं समझ गया कि वो हो जरूर लगता है कि वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा। तो हम लोग यहाँ से लूट उठ कर मतलब यहाँ पर निकलते हैं। और यहाँ पर कि जो ब्रो भाई साहब मतलब कि जो भी मतलब फाइट होगी तुम लोग बस देखना, मतलब अनबिलीवेबल। तो हम लोग चारों को चारों देखना ब्रो मतलब भाई साहब मतलब कि रेड जोन में मतलब कि एंट्री कर गए। और देखना मतलब कि चारों पे रेड जोन गिरती है और मेरे से जानते हो मतलब एक मीटर दूर रेड जोन गिरती और मैं बच जाता हूँ, नहीं तो अभी चारों को चारों ठहरा जाते हैं। जैसे मैं इधर आया देखो रेड जोन मेरे से बचा, उधर देखो दोनों खुले में थे, दोनों पे हड़ास हड़ास। देखो भैया एक और आएंगे बाहर है, उन पे भी एक बार और गिरेगी, मतलब देख रहे हो वन नंबर तीन नंबर चार नंबर सब लोग। अब सब लोग मेरे से रिवाइव रिवाइव मांगते, मेरे को मतलब खोपड़िए खाए हुए हैं, देख रहे हो मतलब खोपड़िए। अबे किसको रिवाइव दे, मैं पहले को कतु दे दे तो बात सुनना तुम। उसके बाद मैं हम लोग के लिए वाइब देकर मैं सोचता हूँ कि चलो आगे चलता हूँ। अब ब्रो सामने हो रहती है अमेजिंग फाइट। अब मेरे को नहीं पता रहता है कि एक बंदे के पास है आरपीजी, अब मेरे को पता ही रहता है। तो मैं जाता हूँ और सामने वाले से स्क्वाड में से मतलब मैं एक बंदा को मतलब कि ठेल देता हूँ। वो बंदा रहता है बगी से, बाप रे देख रहा हूँ की तरह इन लोग तो मारा है। तब तक मैं वो को मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ भाई। देखो ऐसा ग्लिच, देखो बंगी गायब। अबे पबजी लाइट क्या कर रहे हो, तब तक मैं इसको ठेल देता हूँ। देखो इसका बग्गी वाले बंदे को मर जाती है खुजली और एक कहते कैसे टच किया बे, देखो मेरे यहीं को ठेल दिए। तो भाई साहब फिर मिलते हैं कल एक नए गेम प्ले के साथ। तो यार यहीं पर के लिए आपको यहाँ से देखने के लिए दिल से शुक्रिया।